रॉयटर्स के अनुसार 22 मार्च को मॉस्को के एक कॉन्सर्ट हॉल में बंदूकधारियों ने लोगों पर गोलियां चला दी। स्वचालित हथियारों से लैस हमलावरों ने मॉस्को के कॉकरस सिटी हॉल संगीत स्थल को निशाना बनाया। रॉयटर्स ने खबर दी है कि कम से कम 60 लोग मारे गए हैं और करीब 145 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हमले की निंदा करते हुए पीएम मोदी ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पर लिखा, हम मॉस्को में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। दुख की इस घड़ी में भारत रूस की सरकार और लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। बता दें कि ये हमला इतना खतरनाक था कि आंख की लपटे आसमान में उठने लगी थी और कार्यक्रम स्थल के ऊपर काले धुएं का गुब्बार उठने लगा था।